और आप 10 लोगों को और कम से कम लेके आओगे, ये मेरा वादा आपसे। ये ऐसी महिमा, ऐसी लीला है कृष्ण जी की यहाँ पे। वेलकम बैक टू माई चैनल भाई, गुड मॉर्निंग। आज फिर निकले भाई एक बार गुजरात और राजस्थान की वादियों में, पहाड़ में भी घूम के आई ये फैमिली हमारी। ये देखो अन्ना सेठ, हाय बोल, गुड मॉर्निंग बोल। कहाँ जा रहा है? गुजरात। पूरा खुल के बोल, क्या गुजरात क्या करने जा रहा है? अच्छा ठीक है भाई, ये गुल्लू को हम छोड़ने जा रहे हैं इसके हॉस्टल कॉलेज गुजरात अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। और अभी आपने देखा था कि पहाड़ों में से आए हैं, तो अब थोड़ा राजस्थान का भी कल्चर होना जरूरी है ना। हाँ भाई, फुल कर दो भाई, फुल कर दो। स्टेटस पे ये भी लिखा है, बिल्लू लिख दे, कट काट दिया टूर में भाई। प्राइस थोड़ा ज्यादा है टोल का, लगेगा आपको भी तो उतना ही, लेकिन रोड भी उसी हिसाब का बनाया हुआ है। चलो जी, क्रॉस कर चुके हैं हम, अब चलते हैं। एयर माउंट आबू बहुत है। तो अब नाश्ता करने के बाद अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, सावलिया सेठ दर्शन करेंगे भाई आज दोज के दिन, उसके बाद हम निकलेंगे गुजरात कल वहां से। लो भाई एक और ये क्या है, ट्रक है, तो ये चलती है ना। और ये ट्रक को उतार दिया है नीचे, ओ भाई साहब, ओ भाई, ये 1, 2, 3, 12 और 2, 14 ट्रक, सॉरी 14 टायरा ट्रक है यार। कमाल है भाई, बच गया बंदा, इसमें भी बच गया शायद। दक्ष क्या कर रहा है? दक्ष सो रहा है। सो रहा है दक्ष? सब सो गए भाई, अभी टक्कर ले रहे हैं पूरी। दो ही सक्सेस चल रही गाड़ी में, बस दो ही, बाकी सब आज इतने निकाले। और आगे टनल भी आ चुकी है, दक्ष देख बहुत मिनी टनल आ गई, देख देख टनल बारिश आने वाली है। पुलिस थाना सदर है, चलो भाई टनल क्रॉस करने के बाद आ गए हैं फिर दोबारा से रोड पे। लंबी टनल थी काफ़ी, 3-4 किलोमीटर की थी आसपास में। ये रेलवे ट्रैक नया बना है, अब यहाँ से हम निकलेंगे अपना चित्तौड़गढ़ की तरफ। कहाँ पर थी? 30 लीटर दिया, कितना? 25 लीटर।
पिछले वाली ही तो क्या नाम है टोल का लंबी है काटी तो गाइस हम चित्तौड़गढ़ पहुंच गए हैं अभी फ्रेश होके मिलते हैं आपसे मंदिर जाएंगे तब ठीक है। तो भाई चित्तौड़गढ़ पहुंच गए और अब हम रुकेंगे यहाँ पे रात को क्योंकि तो हमें सांवरिया सेठ मंदिर भी जाना है तो मंदिर जाएंगे आज दोस्त भी है और सांवरिया सेठ तो आपको पता ही है कि कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आज वहाँ दर्शन करके रात को यहीं रुकेंगे सुबह हम निकलेंगे फिर अहमदाबाद के लिए ठीक है। चलो थोड़ी देर में मंदिर में मिलते हैं ओके। तो गाय श्री सांवरिया सेठ जी की नगरी में हम अब प्रवेश कर चुके हैं और बस कुछ ही देर के अंदर में चंद मिनटों के अंदर हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं सारा मंदिर। लो तो भाई पहुँच गए श्री सांवरिया सेठ की पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है जय श्री राधे। चलो जी पार्किंग में पहुँच गए सांवरिया सेठ जी की अब मंदिर के दर्शन करेंगे अंदर चल के सभी भाइयों को दर्शन कराए जाएंगे श्री सांवरिया सेठ के। काम चला हुआ है मंदिर में पिछली बार हम दूसरे गेट से एंट्री हुई थी जो हम डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए थे अभी पीछे की तरफ से ले जा रहे हैं यार। चलो जी भाई अंदर अब प्रवेश कर चुके हैं ये प्रवेश मार्ग है नया और सभी भक्तगण बैठे हुए हैं जय श्री राधे जय श्री राधे। चलते रहो भाई चलते रहो श्री सांवरिया से जय हो। बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत मौसम बहुत प्यारा ये मंदिर। एक बार पहले भी व्लॉग आ चुका है आप लोगों ने देखा ही होगा लेकिन वो दिन का था ही शाम को एक अलग ही मौसम यहाँ पे। राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे ढंग से बोल राधे राधे। हाथ धो लेते हैं भाई बहुत चिल्ड पानी है मजा आ गया। तेरा नाम चल रहा है रहो मेरा काम चल रहा है। करते हुए भाई मंदिर पे अंदर फोन अलाउड नहीं है यहीं पे फोन जा सकता है आगे चल रही तेरी लोग साथ में बोलो जय श्री सांवरिया सेठ की। सांवरिया सेठ सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे भाई जय श्री राधे। राधे राधे के दरबार में भाई सांवरिया सेठ मंदिर जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री की जय हो। इतना खूबसूरत है सांवरिया सेठ जी का दरबार फोन बड़ी मुश्किल से अंदर लेके आया। ये बैठे हमारे जैसे भीड़ भी रहे ना कभी एक आदर्श या कुछ भी है तो हम भीड़ तो रहे पर दर्शन ऐसे हो जाएंगे सेकंड में पता ना चलती बारह बारी रहो कुछ सिस्टम आता रहेगा ना जैसे वृंदावन में बहुत भीड़ हो जाए तो हाँ ऐसा ना मार्केट तो स्पेस ना यू उसी पैर दे मत सिर्फ इतना यहाँ इतना स्पेस है कितनी भीड़ आ जाए यहाँ से लगेगी यहाँ से व्यवस्था पहले से बनी हुई है ना भाई। लो जी अब पूरा मंदिर दिखाता हूँ भाई आपको मैं ये देखो मंदिर लाइटें ऑन हो चुकी हैं गला थोड़ा सा ख़राब है मौसम था ना बारिश हुई थी तो ठंड सी लग गई थोड़ी गले में। ये देखो ये लॉन गार्डन चारों तरफ हरियाली मंदिर में और पूरा आप देखो कि पत्थर कौन सा लगा हुआ है मंदिर में कितने लोग आ रखे हैं देखो आज दोज है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए मज़ा आ गया सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद। तो गाइस अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। हाँ भाई कैसा रहा नागर साहब मंदिर का आपका एक्सपीरियंस दो आज के दिन आपके दर्शन हुए कैसा लगा मंदिर उम्मीद नहीं कि इतने बड़े दर्शन हो जाएंगे और एक बार नहीं दो बार करें
और आने का मही न करा होने आपको बार बार बुलाएंगे सावने से एटीएम मेरा ये मेरा प्रॉमिस है मेरा क्योंकि मैं जानता हूँ देखो अगर करेंगे तो करेंगे आप एक बार आए और कैसे आए हो आपको पता है एकदम बुला लिए आप यहाँ बार बार आओगे ये मेरी गारंटी है अब ये चाहे तो राधे और आप 10 लोगों को और कम से कम लेके आओगे ये मेरा वादा आपसे ये ऐसी महिमा ऐसी लीला है कृष्ण जी की यहाँ पे इतना मन लगता है आपने एक चीज़ और देखी होगी आप सोच रहे हो मैं ये मांगू वो मांगू लोग सोचते हैं लेकिन जब सामने जाते हैं आंखों में आके मिलते हैं तो मांग पाए नहीं ना हिम्मत ही नहीं होगी कि खो जाओगे आप ये ऐसी लीला है भाई एक बार आओ बार बार आओगे और इतना मज़ा आएगा मतलब जीवन एकदम ऐसा कर देंगे बिल्कुल चलो राधे राधे जी जय सुबह मिलते हैं भाई लोग अगले ब्लॉग में अहमदाबाद के लिए निकलेंगे अभी होटल जाके थोड़ा रेस्ट करना फिर तब तक के लिए बाय राधे राधे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो